ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। इसे इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि लोग रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। ये बहुत बुरा चीज है आज देश के लिए, बहुत खराब। सारे देश से घूम आए हो, सब जगह लौटा दिया लोग, अब वहीं पहुंचे हैं जहां उनका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और फिर दो सप्ताह के बाद डॉक्टर साहब लोग बुलाए हैं चेकअप करने के लिए, और उन्होंने कहा कि संयम से ये पानी उनी कम पीजिए, बाकी सब ठीक है। पटना जाने का भी एक सप्ताह के बाद डॉक्टर जब आपको, हाँ पूछ लेंगे, सब पूछ के काम करेंगे। अभी आप ठीक हैं? हाँ अभी ठीक है। आप देश में बहुत माहौल चल रहा है आजकल, लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है, लाउड स्पीकर को लेकर के पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी बहुत लोग बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं वहाँ भी। ये सब बहुत गलत बात है, ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। इसे इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि लोग रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। ये बहुत बुरा चीज है आज देश के लिए, बहुत खराब। इस पर राजद अब ए टू जेड की पार्टी बन रही है और इसको लेके युवाओं में और जनता में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव इसका शानदार एक तरीके से नेतृत्व भी कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? आप जो बोलिए वही कहेंगे। सर कल सर जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि जातीय जनगणना अगर बिहार में नहीं कराती है जेडीयू बीजेपी तो हम कोई दूसरा जनगणना नहीं करने देंगे। ठीक है ठीक।